इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बालजी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और एक वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध हैं। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मृतात्माओं से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और क्या साधक को या किसी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए? हाँ, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। उसका कारण ये है कि आज के समाज में बहुत से लोग तो ऐसा मानते ही नहीं हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृतात्मा होती हैं कि नहीं है, जीवन होता है कि नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि जिन्होंने आध्यात्मिक विकास किया हुआ है, जिन्होंने अपना आंतरिक विकास किया हुआ है, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं अथवा जो ऐसी बातों को मानते हैं यानी शास्त्रों को मानते हैं और अपना जो पूर्वज तपस्वी ऋषियों मुनि आदियों को मानते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी मान्यताएँ हैं। जो मेरा प्रैक्टिकल है, योगियों का जो अपना स्वयं का अभ्यास होता है, उच्च श्रेणी के साधकों का जो अभ्यास होता है, उन्हें ये चीज़ें प्रत्यक्ष दिखती हैं। अर्थात जिस तरह से अपना ये भौतिक जगत का जीवन चल रहा होता है, इसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी विभिन्न प्रकार का बहुत ही विस्तृत रूप में जीवन होता है। ये स्थूल शरीर है तो इसका जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही या भूलोक पर ही हो रहा होता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि ये सारी अपरा प्रकृति में जो 14 लोक हैं, 14 लोकों में सिर्फ एक ही लोक स्थूल है, बकाया 13 लोक स्थूल सूक्ष्म रूप से हैं। तो इन सभी में विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं। आपका प्रश्न है क्या जीवात्माओं, क्या मृतात्माओं से संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रकार की योग्यता चाहिए। योग्यता का मतलब उसका आंतरिक विकास होना चाहिए जो संपर्क करना चाहता है, और आंतरिक विकास के लिए मैं यही कहूँगा कि कम से कम उसकी सूक्ष्म जगत में काफ़ी पहुँच होनी चाहिए, दखलंदाजी होनी चाहिए। दखलंदाजी का मतलब है उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी उसको बारीकी से मालूम होना चाहिए कि सूक्ष्म जगत की जो जीवात्माएँ हैं किस तरह से रहती हैं, कहाँ रहती हैं, उनके स्वभाव कैसे हैं। हाँ, जो ये मृत आत्माएँ साधारण पुरुष यानी संसारी पुरुष जब ये शरीर छूट जाता है किसी भी प्रकार से, चाहे उनकी पूर्ण अवस्था में यानी वृद्धावस्था में या एक्सीडेंट वगैरह में छूट जाता है, तो इसके बाद इनका जो जीवन है फिर आगे की ओर चलने लगता है। उसका मतलब है ये तृष्णा के कारण उन्हें एक विशेष प्रकार की देह की प्राप्ति होती है
और वो देह एक पारदर्शी झिल्ली के रूप में होती है और योग की भाषा में उसको वासना देह कहा जा सकता है। इनमें थोड़ी ऐसी जीवात्माओं में थोड़ी भिन्नता ये है कि जो परोपकारी स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनकी जीवात्मा अगर उनसे अगर संपर्क किया जाए यानी मृतात्माओं से संपर्क किया जाए तो थोड़ा लाभ है। लाभ ये कि वो अपने विषय में बताएंगी कि वो कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, उनका स्वभाव क्या है, या उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें कि अगर किसी भी साधक ने अपने पूर्वजों के या अपने परिवार के किसी मृतात्मा से संपर्क किया तो वो तो साधक जानता है कि हमारे परिवार में क्या होता रहा, हमारे पिताजी दादाजी या ताऊ जी जो भी हो, चाचा दादा नाना मामा जो भी हैं, तो उनके विषय में जानकारी होती है। तो जानकारी उनसे करे ऐसी अवस्था में तो कोई विशेषता नहीं है। हाँ, ऐसी मृतात्माओं से जिनका कभी कोई संपर्क ही ना हुआ हो पूर्व काल से, तो उनसे संपर्क करें तो वो सारी बातें बताते हैं। कारण ये है कि ऐसी मृतात्माओं को एक विशेष प्रकार की परेशानी होती है और वो भूख और प्यास से युक्त तो होती हैं, तो ये सोचा करते हैं कि अगर हमारा ऐसा संपर्क हो जाएगा किसी साधक से तो हमें लाभ होगा किसी ना किसी प्रकार का। और एक उच्च श्रेणी का साधक ही ऐसा संपर्क कर सकता है, और जो साधक अभी इतनी अवस्था प्राप्त नहीं हुई है कि वो मृत आत्माओं से संपर्क कर सकें तो उनसे संपर्क नहीं हो सकता है, ना ही ऐसी जीवात्माएं उनसे संपर्क साधती हैं। जिनमें थोड़ी श्रेष्ठता होती है, कम से कम कुंडलनी जागृत होनी चाहिए, कंठ चक्र के लगभग कुंडलनी आनी चाहिए, तो ऐसी मृत आत्माएँ कभी कभी स्वयं भी संपर्क करती हैं। चाहे साधक नई जगह पर जाए अर्थात रिश्तेदारी में जाए, अपरिचित जगह में जाए, तो साधक को नहीं मालूम होती है, लेकिन ऐसी मृतात्माएँ स्वयं संपर्क साधने के प्रयास करती हैं और अपने विषय में बताती भी हैं, सारी घटनाएं बताती हैं, अगर पूछा जाए तो और भी कुछ बता देती हैं। तो हाँ, आपका जो प्रश्न है, ऐसी मृतात्माओं से यानी जो अपने परिवार से संबंधित होते हैं, रिश्तेदार से संबंधित होती हैं, इनसे तो संपर्क साधा जा सकता है। यदि साधक ऐसी अवस्था में या ऐसे कार्य करेगा यानी मृतात्माओं से संपर्क साधने का कार्य करेगा तो ऐसे साधक के पास और भी मृत आत्माएँ अपने आप आने लगेंगी, सिर्फ इस लालच से कि शायद उनका लाभ हो सके। हाँ, इनसे बहुत कुछ पूछा भी जा सकता है इस विषय में, और ये पूछा जा सकता है कि अगर वो थोड़ा सात्विक स्वभाव के रहें, उनका भौतिक जीवन सात्विक स्वभाव का रहा, तो थोड़ा भविष्य के विषय में बता सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भविष्य के विषय में बता सकते हैं, दूसरे मनुष्य के विषय में बता सकते हैं, स्थूल रूप से स्थूल जगत की ढेर सारी बातें बता सकते हैं। उसका कारण ये होता है कि मनुष्य का जब भौतिक शरीर छूट जाता है और ये सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होते हैं तो एक प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें अपने आप सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। भले ही कोई मनुष्य सोचे कि नहीं नहीं वो पुरुष तो यहीं मतलब इसी संसार में उसका साधारण जीवन ही बीता है, ये कैसे भविष्य की बात बता सकता, तो अपने यानी कर्मों के अनुसार अगर वो परोपकारी रहा होगा, दानी रहा होगा, अच्छे स्वभाव वाला रहा होगा तो बता देगा। अगर इसके ठीक विपरीत मनुष्य का जीवन यानी भौतिक जीवन अगर नशीले पदार्थों में, अधर्म के रूप में या पाप कर्मों के रूप में बीता होगा तो ऐसे मृत आत्माएं वो भविष्य का ज्ञान नहीं, मतलब भविष्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद भी उनकी जो सोच होती है, उनकी बुद्धि बिल्कुल मलिन होती है, यानी बिल्कुल तमोगुण से आच्छादित रहती है, तो उन्हें कुछ भान नहीं होता है, वो खुद ही अपने आप में एक विशेष प्रकार से कष्ट से ग्रसित रहते हैं। तो मतलब जो आपने पूछा कि क्या संपर्क किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसी साधक की योग्यता होनी ज़रूरी है। मैं योग्यता के लिए बता दूं कि कम से कम कंठ चक्र तक कुंडलनी का पहुंचना ज़रूरी है। अगर कंठ चक्र खुल गया है, कुंडलनी ऊपर जा रही है, फिर तो अवश्य ही किया जा सकता है। जब मर्जी आए ऐसी मृतात्माओं से संपर्क करें, उन्हें सहायता भी पहुँचाई जा सकती है और उन्हें ऊर्ध भी किया जा सकता है। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मृत्यु के बाद पेड़ पौधे और पशु पक्षी ये सभी वासना शरीर में भटकते हैं? तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल अच्छा है, वैसे प्रश्न सभी अच्छे, सभी साधकों के प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन ये पूछना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ और पहले भी बता चुका हूँ, और जब मैं बाहर योग के प्रचार के लिए जाता हूँ, साधकों का मार्गदर्शन करता हूँ, तब भी बताता रहता हूँ। सिर्फ मनुष्य जाति की ही जो सूक्ष्म शरीर होता है यानी मनुष्य शरीर जब त्यागता है तो वही वासना देह में जाता है, और जो ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी या रेंगने वाले कोई भी प्राणी हैं ये नहीं जाते हैं। उसका कारण ये होता है, ये चारों प्रकार की जो जातियां हैं, जातियां का मतलब पेड़ पौधे, रेंगने वाले जीव,
चाहे वो जली हों या भूल मतलब स्थल पर हों, अथवा पशु और पक्षी चार प्रकार के जो जीव होते हैं ये वासना देह में नहीं जाते हैं। इसका कारण ये है कि ये भोग योनि है, सिर्फ पूर्व काल के कर्मों को भोगते रहते हैं, नया कर्म अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना पाते हैं। अर्थात इन्हें जन्म से पूर्व निश्चित होता है कि इन्हें इतना कर्म भूलोक पर भोगना ही होगा और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका कोई विषय नहीं बनता है कि वो वासना देह में जाएं, क्योंकि ना तो उनके अंदर आसक्ति होती है ना ही तृष्णा होती है, तो जाने का कोई मतलब नहीं है। और मृत्यु के बाद उन्हें कोई भान नहीं होता है, सीधे भूअर लोक की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है, मरते समय भी वो अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए तृष्णा के कारण याद करता रहता है, तो सिर्फ मनुष्य की ही जीवात्मा वासना देह में जाती है, पशु पक्षी और पेड़ पौधे आदि की जीवात्मा नहीं जाती है। और मृत्यु के पश्चात वो सीधे भूअर लोक को चले जाते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। कुछ धर्मों की ऐसी मान्यता है कि कुछ जीवात्माओं को अपने कर्मानुसार अनंत काल तक स्वर्ग या नरक का भोग करना पड़ता है, कहने का मतलब कि उनका दोबारा पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो इस संबंध में आपके क्या विचार है? यहाँ तक अभ्यास के द्वारा हमने जाना, बहुत काल से लगभग 33-34 साल से जो मैं योग कर रहा हूँ, बहुत सी जीवात्माओं को मैंने उद्धार भी किया है। मैं अपने साधकों को जो मेरे से मार्गदर्शन लेते हैं उनको इस विषय में बताता रहता हूँ, उनको सिखाता भी रहता हूँ। तो उनके अनुसार तो चाहे जिस धर्म का हो, धर्म शब्द जो है या जो धर्म रूपी बंधन में बंधे हुए, तो यहाँ के मनुष्यों की अज्ञानता की देन है। मनुष्य जाति मनुष्य है, अर्थात समस्त मनुष्य चाहे पृथ्वी में किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन मनुष्य ही है। अब यहाँ अज्ञानता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी अपनी आस्थाओं के कारण धर्म में बन जाते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि चाहे जिस धर्म के हो इससे लेना देना नहीं है। सारा कुछ कर्म का दिया है हुआ है, यानी जैसा कर्म करेगा वैसा ही भोग करेगा। मृत्यु के बाद निश्चय ही जीवात्मा को विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसा मैंने अभी वासना देह का नाम लिया, जब इस क्षेत्र को छोड़ के ऊपर के लोक में जाते हैं, अपने अपने अनुसार धर्म में मान्यताएँ अलग अलग हैं, लेकिन ये सत्य है उसे कर्मों का भोग भी करना पड़ता है। वो जगहें अलग अलग हैं, मतलब अगर उसने इस शरीर में यानी भौतिक शरीर में अधर्म रूपी कर्म किए हुए हैं तो उनको भूअर लोक में विशेष प्रकार की यातनाओं की जगह हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अगर मैं यहाँ विस्तार से बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो निश्चय ही कर्म उन्हें कठोर कर्म भोगने होते हैं। और जो अगर किसी पुरुष ने अच्छे कर्म किए हो, वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, तो निश्चय ही एक विशेष प्रकार की जगह है। अपने अपने धर्मों के अनुसार कुछ भी शब्द नाम लें, लेकिन अपने शास्त्रों में उन्हें स्वर्गलोक कहते हैं। स्वर्गलोक का एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है पितरलोक। पितरलोक में पहुँचते हैं, पितृलोक में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, अर्थात वहाँ ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, सुखपूर्वक आनंद से रहते हैं। लेकिन एक बात है देखने की, शब्द जो स्वर्ग है, स्वर्ग में विशेष प्रकार की ही प्राणी रहते हैं, अर्थात देवता रहते हैं, जैसे इंद्र आदि का वर्णन मिलता है, चाहे इंद्र हो, अग्निदेव हो या अन्य भी कोई हो, और भी उनमें विशेष प्रकार की जातियाँ रहती हैं। तो कहने का मतलब जो जीवात्मा पितरलोक को प्राप्त होती है, पितरलोक में पहुंचने वाली जीवात्मा यही भूलोक से मनुष्य ही होते हैं किसी समय, यानी मनुष्य थे, मृत्यु के प्राप्त हुए, फिर वो पितरलोक को पहुंच गए। इनके अंदर इतना पुण्य नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने योग बल तो कमाया नहीं होता, अध्यात्म से इनका कोई खास मतलब नहीं होता है और इनके अंदर योग्यता नहीं होती है, तो ये स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लोक तो पूरा स्वर्ग लोक तो पूरा नाम आएगा स्वर्गलोक का, लेकिन जो क्षेत्र पितरलोक के लिए दिया गया है वो साधारण मनुष्यों के जीवात्माओं के लिए है। और जो स्वर्गलोक शब्द है, वहाँ विशेष प्रकार की जीवात्माएं रहती हैं, वो जीवात्माएं दिव्य होती हैं, दिव्यता को प्राप्त होती हैं, उनकी आयु बहुत ही ज़्यादा होती है, यहाँ के काल के अनुसार तो समझा हजारों लाखों करोड़ों यानी युगों तक, कम से कम 74 युगों तक की जीवात्मा युगों तक वहाँ पर एक विशेष प्रकार का भोग करते हैं, यानी आनंद से युक्त होते हैं। उस क्षेत्र में इन साधारण मनुष्यों की जीवात्माओं के लिए आज्ञा नहीं है कि प्रवेश करें। उसका कारण है कि उनके अंदर ना तो इतनी शुद्धता होती है, ना ही उनका सूक्ष्म शरीर का घनत्व इतना कम हो पाता है कि उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें, इसलिए प्रकृति के नियमों के अनुसार वहाँ पर प्रवेश वर्जित है। सिर्फ साधक
यानी उच्च श्रेणी का साधक योगी या अन्य कोई ऋषि मुनि वहाँ स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकते हैं। तुमने जो पूछा कि क्या ऐसी मान्यताएं हैं अनंत काल तक रहती हैं, हाँ जो जीव आत्माएं हैं जैसे मैंने स्वर्ग में जो यहाँ उनके यानी जन्म से मतलब नहीं है तो वो तो अनंत काल तक रहती हैं। लेकिन एक बात, मैं इंद्र जो शब्द मैंने प्रयोग किया, इंद्र एक पद है, नाम नहीं है किसी देवता का। उस पद पर जो बैठता है तो 74 युगों तक बैठता है। और पद ऐसा जैसे भौतिक रूप से समझ लें कि प्रधानमंत्री का पद भारतवर्ष में 5 साल का है, तो ऐसे ही वो 74 युगों का है। उनके अधीन ढेर सारे देवता होते हैं, वो तो रहते हैं लंबी आयु तक। लेकिन जो तुमने कहा कि यहाँ की जीवात्मा, यहाँ से जाने वाली जीवात्माएँ जो पितर लोक में जाती हैं उनकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती, 100, 200, 500 साल या हो सकता थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा हो, इससे भी ज़्यादा जो तप लोक के जो योगी होते हैं हजारों साल निकाल देते हैं। लेकिन अनंत काल में तो गणना अनंत हो गई, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी उन्हें भूलोक पर आने के लिए जन्म लेना पड़ता है। सत्य तो यही है कि इंद्र को भी 74 युगों के बाद जन्म लेने के लिए आना ही होता है, और इसके बाद अन्य कोई दिव्य आत्मा जो निश्चय ही बहुत ही उच्च श्रेणी की होती है उस पद पर बिठाई जाती है। तो अपने अपने धर्मों के अनुसार या क्या मान्यता है तो ये उनकी देन है, मैं उसमें तो समझाने के लिए कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सत्य यही है कि ऐसी जीवात्मा जो यहाँ तक रहती, कर्मानुसार जैसे कर्म होते हैं निश्चित अवधि तक ऊपर रहते हैं, चाहे अच्छा कर्म हो गए बुरा कर्म हो गए उन्हीं के अनुसार यहाँ फिर जन्म लेना पड़ता है। कभी यानी इन चारों प्रकार के प्राणी योनियों में जैसे वृक्ष, रेंगने वाले जीव, पशु और पक्षी, और अगर अच्छे कर्म हैं सत्ययुग से थोड़े युक्त हैं तो मनुष्य जीव में मनुष्य शरीर में आना होता है। Mm-hmm.